पिता बनने के बाद निक जोनस ने बेटी मालती के बारे में बात करते हुए बताया कि पापा बनना कैसा होता है। निक जोनस से इंटरव्यू में पूछा गया कि पापा बनने के बाद कैसा फील कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन हमारी बेटी घर आ गई है और वो बहुत अच्छी है। मुझे बेटी के तौर पर ये गिफ्ट मिला है। इंस्टाग्राम पर एक इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर कर कंगना रनौत ने किया अपनी आने वाली फिल्म धाकड़ को प्रमोट। सब लोग टेंशन में आए हुए हैं कि कंगना इतने सारे इंटरव्यूज दे रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है, सब जगह बातें कर रही है, लेकिन फिर भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है, कोई मिर्च मसाला, कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है, तोड़ा फोड़ी नहीं हो रही, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, लड़ाई झगड़े अब होंगे सिर्फ और सिर्फ बिग स्क्रीन पे, बिग बजट एक्शन थ्रिलर धाकड़ स्टाइल में। तो अब बुकिंग्स खुल चुकी हैं, अपने टिकट्स बुक कीजिए और देखिए इस साल की सबसे बड़ी तोड़ा फोड़ा फोड़ी वाली एक्शन थ्रिलर ऑन 20th में। बुक योर टिकट्स नाउ। 22 मई को फिल्म जुग जुग जियो का ट्रेलर मेकर्स रिलीज करेंगे। स्टार कास्ट ने एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। फैशन वर्ल्ड के सबसे शानदार इवेंट्स में से एक कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है। इंडिया से दीपिका पादुकोण, तमन्ना भाटिया, उर्वशी रौतेला, पूजा हेगड़े, ऐश्वर्या राय बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एआर रहमान, आर माधवन समेत कई सितारे इस साल इंडिया और इंडियन फिल्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनकी खूबसूरत तस्वीरें हुई वायरल। माँ बनने के बाद काम पर वापसी के बारे में अनुष्का शर्मा ने हार्पर्स बाजार इंडिया मैगजीन के साथ बातचीत में बताया, मुझे उन चुनावों की वजह से सशक्त महसूस होता है जो मैंने किए हैं। मैं हमेशा ही ऐसा महसूस करना चाहती थी, कोई भी मुझसे ऐसा करने को नहीं कह रहा है। ये सब मेरी निजी चॉइस है कि मैं इन चीजों को इस खास तरह से कर रही हूँ। 4 महीने की बच्ची को घर पर छोड़ प्रियंका चोपड़ा निकली शूट पर, हो गई इंजर्ड। प्रियंका ने शेयर की इंस्टाग्राम पर फोटो। इस फोटो को कैप्शन देते हुए उन्होंने लिखा कि आप सबको भी अपनी रोज की जिंदगी में एक टफ डे का सामना करना पड़ता होगा। छोटे भाई जे को कुछ इस तरह संभालते दिखे तैमूर अली खान। फोटो देख आप भी कहेंगे सो क्यूट। ऋतिक रोशन की फैमिली पार्टी में शामिल हुई सबा आजाद, तस्वीर हुई वायरल। ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ने इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो। जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने तगड़ा झटका दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस का सामना कर रही जैकलीन फर्नांडिस ने विदेश जाने के लिए अदालत से परमिशन मांगी थी, लेकिन ईडी ने उनका झूठ पकड़ लिया। इसके बाद जैकलीन ने अदालत में अपनी अर्जी ही वापस ले ली। रिपोर्टेडली जैकलीन ने खुद को सलमान खान के नेपाल में होने वाले इवेंट द बैंग टूर का हिस्सा बताकर विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। बता दे कि 200 करोड़ रुपए की ठगी में ईडी महाठग सुकेश चंद्रशेखर की जांच कर रही है। हाल ही में खबर आई कि मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर शादी का प्लान बना रहे हैं। इसी बीच अर्जुन कपूर ने एक पोस्ट किया है। अर्जुन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखकर कि मेरी लाइफ के बारे में बाकी सबको मुझसे ज्यादा पता है। अर्जुन का ये स्टेटमेंट सुनकर लग रहा है कि शायद उनका ये रिएक्शन शादी के खबरों को लेकर ही है। खबरों के मुताबिक अर्जुन और मलाइका इस साल के एंड तक यानी कि नवंबर और दिसंबर में शादी कर सकते हैं।